इंतजार है इस साल की दो बड़ी रिलीज जो है शाहरुख खान की रईस और ऋतिक रोशन की काबिल। रईस और काबिल को लेकर पूरे बॉलीवुड में बहुत गहमा गहमी चल रही है। एक्चुअली ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि शाहरुख खान और ऋतिक रोशन क्लोज फ्रेंड्स हैं और इस फ्रेंडशिप को हम कॉफी विद करण से लेकर अवार्ड शो के स्टेज तक भी देख चुके हैं। ऐसी गहरी दोस्ती में पड़ गई है दरार क्योंकि रईस ने अपनी रिलीज डेट दिवाली से पोस्टपोन करते करते जनवरी 2017 को कर दी है, जो काबिल फिल्म की रिलीज डेट है। इस बात को लेकर राकेश रोशन बीच में गुस्सा भी हो गए थे और कहा था कि मैं नहीं जानता रईस की टीम ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन रही बात काबिल की, तो काबिल की रिलीज डेट तो मैंने एक साल पहले ही अनाउंस कर दी थी और इस बारे में जब ऋतिक रोशन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिजनेस में ऐसा होता रहता है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन इसके वजह से दोस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखा दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि भले ही दोस्ती के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी, लेकिन लगता है नींव कमजोर जरूर हो गई है। अब आगे क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। इन सारी बातों में ऑडियंस जरूर कंफ्यूज हो जाएगी कि काबिल देखे या रईस। हमारी तरफ से दोनों फिल्मों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, प्लीज कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज प्रीति राव फ्रॉम नर्जिस न्यूज़।